आई होप यू ऑल विल फिट एंड फाइन। तो बच्चों, आप लोगों ने इस छुट्टी में बहुत मजे किए और आपने बहुत इन्जॉयमेंट किए है ना। लेकिन अब हमारे पढ़ने का भी समय आ गया है, क्योंकि आपके जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो बहुत पास आ गई है और आपको उसकी तैयारी करनी है। तो आपको पता है, जिस दिन स्कूल खुला था, हम लोगों ने कुछ पाठों का शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और वो हमारा पाठ है पोंगल। तो आइए आज हम हिंदी भाषा के पाठ 18 अच्छी सेहत के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, अच्छी सेहत तो आप सभी जानते हैं कि अच्छी सेहत क्या होती है। सबको अच्छी सेहत के बारे में पता है। क्या आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? नहीं ना। जब भी आपको बाहर का मिलता है तो आपको घर का खाना नहीं अच्छा लगता, आपको बाहर के ब्रेड, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, होटल में जाके खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन आप घर के पौष्टिक खाने को नहीं खाते हो। मुझे पता है, खाते हो कि नहीं? जी मैम। ओह, खाते हो, अच्छा। तो बेटा, हमें जो बाहर का खाना है, मानते हैं कि हम सभी बच्चों को बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें घर के भी खाने को खाना चाहिए। और उसी से रिलेटेड बेटा, आज हम आपको बताना ये चाहते हैं हमारे इस पाठ को पढ़ने से पहले, कि आप ये सब समझिए कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए हमें स्वयं को स्वस्थ एवं सेहतमंद बनाए रखना चाहिए। और इसी के तहत आज हम आपको अपना पाठ 18 अच्छी सेहत पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी किताब को खोल लें और ध्यान से चैप्टर को सुनें। जो हम पाठ का जो आपको अर्थ समझा रहे हैं उसको सुनिए। पाठ परिचय बेटा, पहले आइए पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या। इस पाठ में हम स्वस्थ शरीर से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि स्वस्थ शरीर से हमें क्या लाभ होता है। यहाँ पर देखिए बेटा कि हमें अच्छी सेहत के लाभ बहुत होते हैं, और इसके साथ ही सेहतमंद रहने के हम आपको इस पाठ के बाद उपाय भी बताएंगे। पहले आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। राजीव नगर, दिल्ली, 5 जनवरी 2024। यहाँ पर एक बच्चा अपने दोस्त को एक पत्र लिख रहा है और उस पत्र में उसको एक संदेश भेज रहा है। वो संदेश क्या है, इसके तहत आप पत्र के माध्यम को भी समझ जाएंगे और पाठ को भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला। प्रिय अंकित, आशा करता हूँ कि तुम कुशल पूर्वक होगे। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो ना कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। मैं इसी के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सुनो, सेहतमंद रहना अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने सेहत पर ध्यान देंगे तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तंदुरुस्त मतलब तंदुरुस्त, या आपका कठिन शब्द में आ गया, अंडरलाइन कर लीजिए शब्द को। ओके मैम। वेरी गुड। तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें हमेशा से यह कह सकता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। कि जो बच्चे हमेशा देर तक सोते हैं और जो है सुबह और रात को देर तक जगते हैं, अच्छी बात नहीं। सारा दिन वो टीवी में अपना ध्यान लगाए रहते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य और सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। इससे बच्चों आपके दिमाग में और आपके ध्यान में भी कमी आती है। अगर आप जो है उचित तरीके से आराम नहीं करेंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और रात को जल्दी नहीं सोएंगे, तो इससे आपके दिमाग पर भी असर पड़ेगा और आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और आपको याद किया गया अपना विषय पाठ भी नहीं याद रहेगा। तो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, पहली चीज़ सुबह उठकर जल्दी सैर करनी चाहिए, और दूसरी बात मैंने सबसे पहले क्या बताई, सुबह जल्दी सोकर उठिए और रात को जल्दी बिस्तर पर जाइए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। जब हम सुबह उठकर 15 मिनट भी सैर करते, सैर करना मतलब टहलना, अगर हम टहल लेते बाहर जो आपका मैदान हो, रोड पर भी किनारे, आप चाहे 15 मिनट दौड़ भी सकते हैं, टहल भी सकते हैं, इससे आप स्फूर्ति से भरे रहोगे। स्फूर्ति मतलब ताजगी से भरे रहोगे। मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड, लजीज मतलब समझ रहे हैं जो आपको बहुत स्वादिष्ट, जो आपको बाहर का फास्ट फूड मतलब जो आप बाहर का खाते हो, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा बहुत पसंद है। पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक के तो बिना तुम रह ही नहीं सकते हो।
बहुत बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, हम देखते हैं कोई भी फल दाल दूध सब्जी नहीं खाता है, सबको कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है। तो बेटा आप लोग इन सब चीज़ों को आदतों पे अपने रोक रखिए, इन सब चीज़ों को कोई नहीं खाएगा। लेकिन अंकित अब देखिए वो पत्र में अपने दोस्त को ये सलाह दे रहा है कि अगर तुम इन सारी बाहर की चीज़ों को खाते हो तो इन चीज़ों से हमारे शरीर को जरूर पौष्टिक जरूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। पौष्टिक मतलब जो संतुलित आहार हमारा होता है, जैसे हरी सब्जियाँ, जैसे दालें, फल दूध सब्जी, हरी सब्जियाँ, ये सारे नहीं मिल पाती हैं। घर पर जो खाना मम्मी बनाती हैं वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। जो हमारे घर पर हमारे भोजन बनता है बेटा, चाहे वो दही हो, चावल हो, दूध हो, सलाद हो, उससे हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व मिलता है। तो बेटा इस चैप्टर में मैंने आपको अभी तक ये बताया कि इस पाठ परिचय में कि एक बच्चा अपने दोस्त को मित्र को पत्र लिख रहा है। पत्र में वो पहले बच्चे का एड्रेस डालता है और उसके स्वास्थ्य के बारे में उससे पूछता है कि वो ये आशा करता है कि उसका दोस्त कुशल मंगल होगा, उसका सेहत अच्छी होगी। उसके साथ साथ उसको कुछ सावधानियां बताता है कि उसे बाहर के खाने को नहीं खाना चाहिए, जबकि घर के बने हुए शुद्ध स्वस्थ और अच्छे पौष्टिक आहार को अपने भोजन में लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी रहता है। इसीलिए कहा गया है अ हेल्दी माइंड इज अ